हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स, और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है तो वो भी मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑफकोर्स आप में से हर किसी को मालूम होगा क्योंकि बड़े बड़े चैनल पे वो चीज़ ऑलरेडी बताई गई है, वो इनकम अपॉर्चुनिटी बताई गई है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। और इससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन रखते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी रखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फैंटेसी क्रिकेट के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा फैंटेसी क्रिकेट एग्जैक्टली क्या है। ड्रीम इलेवन के बारे में तो सबको पता है क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडिया जो रहता है वो ड्रीम इलेवन में खेलता है, और आईपीएल जो है सबका फेवरेट रहता है। हर कोई शाम को बैठ जाता है आईपीएल की मैच देखने के लिए, और सबके हाथ में मोबाइल रहता है, ड्रीम इलेवन रहता है, और वहाँ पे वो लोग उसको खेलते हैं। और इसलिए खेलते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत छोटी छोटी होती है। जो कॉन्टेस्ट रहते हैं 5 रुपये के रहते हैं, 10, 20, 25, ठीक है 50 रुपये, इस हिसाब से रहते हैं। लेकिन जो विनिंग रहता है अमाउंट वो बहुत ज़्यादा रहता है, और इनकेस जो लोग विन नहीं भी कर पाते हैं तो उन्होंने जो उसमें इन्वेस्ट किया रहता है वो निकल आता है, बशर्ते कि आप जो टीम बनाते हैं काफ़ी अच्छी टीम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैच होने वाला है वो है आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाला है। तो करना क्या रहता है, यहाँ पे जो दोनों टीम्स के 11-11 खिलाड़ी होते हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करके अपनी एक टीम बनानी पड़ती है, 11 प्लेयर्स की बनानी पड़ती है। और हर प्लेयर्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट्स लिए, 4 कितने लगाए 6 कितने लगाए, ठीक है उन सब के ऊपर हर प्लेयर को पॉइंट्स दिए जाते हैं। और जब मैच ख़त्म हो जाता है तो अगर आपके जो 11 खिलाड़ी हैं उनके जितने पॉइंट्स होते हैं वो बाकी जो कंटेस्टेंट्स रहते हैं, ठीक है उनकी जो बनाई गई टीम होती है उससे अगर ज़्यादा होते हैं तो आप विन कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ टोटली आपके ऊपर रहता है, आप अपनी स्किल यूज़ करते हैं, आप देखते हैं अगर आप क्रिकेट लवर हैं या क्रिकेट को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, ठीक है प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो हर कोई इंडिया के अंदर सारे प्लेयर्स टीम्स वगैरह के बारे में जानते हैं, तो हर कोई काफ़ी अच्छी खासी एक टीम बना सकता है, अच्छी खासी प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन सा खिलाड़ी आज खेलेगा कि नहीं खेलेगा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं और सब कुछ आपके हाथ में रहता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बोल रहा है कि भाई इसको करो उसको करो, ऐसा नहीं है, ठीक है कुछ लोग करते हैं भाई किसी ने कह दिया कि इस टीम पे करो उस टीम पे करो तो वो लोग उस हिसाब से करते हैं। तो आप अगर बढ़िया टीम बनाते हैं आपकी टीम जीत जाती है तो आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है win365days.com के बारे में बताने वाला हूँ। वो भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं। डिफरेंस इतना रहता है कि इसके अंदर आप क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है आप क्रिप्टो इसके अंदर डालेंगे वो यूएसडी टीथर में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उससे आप अपनी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, और जो भी आप विन करेंगे उसको इंस्टेंटली आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे बताने से पहले, ठीक है बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना जो बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे वहाँ पर लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले लोगों का जो क्वेश्चन आता है ये है कि भाई हम तो कुछ कमा नहीं पाएंगे, इन ये लोग रिफ़रल से कमाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि रिफ़रल से कुछ अर्निंग होती है, ये नहीं होता है। ऑफ़ कोर्स रिफ़रल्स होते हैं तो आपको छोटा मोटा अमाउंट मिल जाता है। वैसे मैं आप लोग को लॉगिन करके बता दूंगा कि मेरे कितने रिफ़रल्स हैं और उसमें कितनी इनकम हुई है, ठीक है तो अगर आपकी थिंकिंग उस हिसाब से, कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं कि भाई ये लेके आए ये तो रिफ़रल से कमा लेंगे हम तो नहीं कमा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे खेलते हैं, आप जैसे टीम बनाते हैं, आप उस पर अर्न करते हैं, ठीक है आप जितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर आप अर्न करते हैं। तो इसमें रिफ़रल वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्लियर कट आपको दिखा दूंगा रिफ़रल्स की। अगर रिफ़रल्स में कुछ भी आता है तो वो भी सब आपका है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि ठीक है भाई हमने इसमें अर्न कर लिया, ठीक है हमने USDT अर्न कर लिया, फिर हमने उसको बिटकॉइन में विड्रॉ कर लिया, अब ये हमें INR में कैसे लें। ये क्रिप्टो से रिलेटेड भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज भी लोग पूछते हैं कि किस तरह से विड्रॉ किया जाए। बहुत पहले मैंने स्क्रिल का बताया था लोगों को, स्क्रिल से विड्रॉल सब कुछ चालू था, फिर बाद में स्क्रिल्स की कुछ वेरिफिकेशन और हो गई हैं, ठीक है तो उसके बाद से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं आज की तारीख में भी स्क्रिल के थ्रू बिटकॉइन को INR में विड्रॉल करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बात आते हैं win365days.com के ऊपर आते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने इसके बारे में बताया था शायद मैं ही था, जो मैंने टेलीग्राम पे इसको शेयर वगैरह किया था, ठीक है लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं कुछ गेम्स खेलना चाहता था, देखना चाहता था कि ये प्लेटफॉर्म सही में वर्क करता है कि नहीं करता है, इसमें अर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, विड्रॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखी। और कुछ खामियां भी जो लगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो भी मैंने उनको बताया था, तो उस पर वर्कआउट हुआ है तो मुझे ये सही लगा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। और बेनिफिट्स तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कुछ टैक्स वगैरह का लफड़ा नहीं है, ठीक है आप जितनी अर्न करते हैं वो सीधे आपके पॉकेट में आता है,
और आप क्रिप्टो से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। ड्रीम इलेवन में लाखों लोगों के बीच में से विन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी जो विनिंग रेशियो होती है बहुत कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहता है तो बहुत ईजी चांसेस रहते हैं कि आप विन कर लो। ठीक है, अब इस वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँ और वापस से थोड़ी बहुत और चीज़ें बताऊँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ कि एक और क्वेश्चन जो आता है लोगों का, कुछ लोग ये कहते हैं सीधा कि भाई ये तो गैम्बलिंग है, आप इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जिस कलर का चश्मा पहनेंगे उसी कलर में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। वैसे तो पूरी ज़िंदगी हमारी एक गैम्बलिंग होती है, जब से बच्चा पैदा होता है उससे लेके स्कूलिंग से एजुकेशन से लेके बिजनेस से जॉब से रिलेटेड कितनी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, लाइफ ही एक गैम्बलिंग है। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, और तो ये ऐसी कुछ गैम्बलिंग वगैरह चीज़ नहीं है। इस पर तो टीवी पे ऐड आती है, बीसीसीआई का रिकॉग्निशन मिला है, आईपीएल का रिकॉग्निशन मिला है, तो कोई ऐसी वाली चीज़ नहीं है। अगर इस तरह से गैम्बलिंग होती है तो गवर्नमेंट कब का ये सारी चीज़ें बंद कर दी। जब गवर्नमेंट की तरफ से इसको हरी झंडी है तो फिर इसको आप गैम्बलिंग नहीं कह सकते। बाकी कुछ लोग इसको उसी हिसाब से खेलते हैं तो वो उनका इश्यू है। तो ठीक है, तो मैं आपको अब इस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और सारी चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। आप तो सब कुछ देख लीजिए, अच्छा लगे तो आप इसको खेल सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी क्रिप्टो से रिलेटेड, इंडिकेटर्स हैं, एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को आज बताने वाला हूँ संडे के दिन, तो ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छा उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं सीधा आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और सारी चीज़ें इन डिटेल बता देता हूँ। तो बहुत सिंपल चीज़ें, win365days.com आप ओपन कीजिए, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल दीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा। आप अपना जंक बॉक्स या स्पैम बॉक्स चेक कर सकते हैं और उसके अंदर वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट रेडी हो गया। ठीक है, अब आप डायरेक्टली खेल सकते हैं। उसके बाद आप वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे आपको इस तरह से पेज दिखेगा, यानी कि अपकमिंग मैचेस अभी कौन से हैं। जैसे कि आज 7 तारीख है, 1 घंटे बाद रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच है, और शाम को जो मैच है वो है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में है, और कल जो है वो पंजाब और हैदराबाद के बीच में मैच है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स हमें खेलना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ज्वाइन पे। ज्वाइन पे आपने क्लिक कर लिया, उसके बाद क्या रहेगा, आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट टीम। ठीक है, तो आपको इस तरह से पेज दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे मिक्स प्लेयर्स हैं दोनों टीम के। इन सभी प्लेयर्स में से, इन सभी प्लेयर्स के अंदर से हमें 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं, और उसमें से हमें अपने एक कैप्टन सिलेक्ट करना है और एक वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। वैसे तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी है और आप लोग को ऑफकोर्स सारी चीज़ें मालूम होंगी, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग ड्रीम इलेवन खेलते होंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है जिनको पता ना हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सेक्शन आता है विकेट कीपर, हमें एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पार्थिव पटेल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बैट्समैन आता है, बैट्समैन में से आपको जो अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 बैट्समैन सिलेक्ट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं दोनों टीम के मिक्स हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स आते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ऑलराउंडर्स सिलेक्ट कर लिए हैं, और एक टीम के अंदर से आप मैक्सिमम 7 प्लेयर यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है बॉलर की बात आती है, तो बॉलर्स के अंदर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पॉइंट्स भी देखना है, आपको 100 यहाँ पे क्रेडिट्स दिए जाते हैं, उन 100 क्रेडिट्स को आपको यूज़ करके 11 खिलाड़ी यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। हर खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी क्रेडिट्स यूज़ होती है, यानी कि वो कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉलर्स भी सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि साइज स्पिन बॉलर्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो मैं स्पिन बॉलर्स को पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी 11 टीम खड़ी हो गई है। अब इसके अंदर से मुझे कुछ टीम का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे अपने टीम का एक नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैप्टन अगर लेना चाहूँ तो पृथ्वी शॉ को लूँगा, और वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे पार्थिव पटेल को ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे सेव टीम कर रहा हूँ, और आप एक मैच के लिए कितनी भी अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक कॉन्टेस्ट के अंदर कोई एक टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि आपको कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं आपको वैलेट दिखाऊँ तो मेरे वैलेट में आप देख सकते हैं $74 के आसपास है, USDT ईथर है जो मैंने खेल के जीते हैं। और जो एफिलिएट का क्वेश्चन था लोगों का, भाई रिफरल से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो एफिलिएट है उसमें लगभग $5 के आसपास है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो ये गलतफहमी निकाल लीजिए कि भाई अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मेरी मंशा ये है कि रिफरल से बहुत ज़्यादा इनकम होगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अर्निंग करने के लिए क्रिप्टो ही बहुत काफ़ी है, बेटमैक्स बहुत काफ़ी है, इजीली हम उसमें से काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग कहेंगे तो ये जो $5-10 है उसका गिव अवे कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जिस कॉन्टेस्ट के आगे सी लिखा रहता है डेट मीन्स कन्फर्म्ड, मतलब कि ये जो मैच ये जो कॉन्टेस्ट होगा ये कन्फर्म होगा, ठीक है। आप इसके अंदर टीम बनाइए, अगर बाकी टीम वाले नहीं आते तो भी आप इसमें जीत सकते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे सी लिखा हो। तो यहाँ पे एक और जो है, जैसे पांच टीम है, चार हो चुकी है, एक टीम लेफ्ट है, इसको ज्वाइनिंग का $5 है, जीत गए तो आपको 21 मिलेंगे। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पे अपनी टीम सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने क्रिएट की है और ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली ज्वाइन द कॉन्टेस्ट, तो ये एक हो गया। अब आपके ऊपर है, आप जितने कॉन्टेस्ट में खेलना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं और देख रहा हूँ कि जहाँ पे सिर्फ दो जन हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है $20 लगाना है और अगर मेरी टीम जीत जाती है तो मुझे इसके बदले 34 मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको खेल लेता हूँ एक, और यहाँ पे वापस अपनी टीम सिलेक्ट करता हूँ। याद रखिए, आप चाहें तो और भी टीम बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एक और टीम बनानी चाहिए जिसमें और भी जो खिलाड़ी हमने टीम वन में नहीं लिए उसमें ले सकते हैं, तो आप ऐड टीम टू कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे माई कॉन्टेस्ट टू, यानी दो कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन करके रखे हैं ये है। इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं, जैसे कि कोई राजेश करके, अकबर, राजकुमार, ये सब लोग ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और टीम अभी नहीं देख सकते बाकी लोगों की, जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तब आप देख सकते हैं कि भाई उन्होंने कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट किए थे, ठीक है। तो टीम जब सिलेक्ट करते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं आज, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई खिलाड़ी ले लिया है जो खेल ही नहीं रहा है तो आपका वो पूरा वेस्ट हो जाता है। वैसे बताना चाहूँगा कि पिछला एक जो मैंने मैच खेला था उसमें मैंने टीम जो बनाई थी तीन खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, ठीक है मेरे, लेकिन फिर भी जो बाकी प्लेयर्स ले थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो मैच जीत गया था, $50 वाला मैं मैच जीत गया था। तो आप प्लेयर्स अच्छे सिलेक्ट कीजिए। बाकी जो कॉन्टेस्ट एक और है जो 34 वाला, इसके अंदर भी हम दो लोग हैं तो जो भी जीतेगा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटली यूज़ किया जा रहा है आपका स्किल, यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आप दिमाग लगा के अपने प्लेयर्स लगा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस देख के तो उस हिसाब से आप इसमें अर्न करेंगे, इसमें कोई गैम्बलिंग वाली चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब जब मैच चालू हो जाएगा तब आपको यहाँ पे लाइव दिखेगा और मैसेज आएगा कि व्यू योर पॉइंट्स, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने पॉइंट्स वगैरह देख सकते हैं। मैच ख़त्म हो जाएगा तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सपोज कीजिए आपने यहाँ से जीत लिया, पैसा ऐसा मिल गया, फिर आपको क्या करना है, आपको विड्रॉ करना है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वैलेट है, ठीक है, मेरे पास जैसे कि अभी 49.5 पड़ा हुआ है, इसको मुझे विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे सीधा विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। अब विड्रॉ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना बिटकॉइन एड्रेस वगैरह डालना है, OTP आएगा और उसके बाद जितनी भी आपको अमाउंट विड्रॉ करनी है वो वहाँ से आप विड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वैसे मैं अभी विड्रॉ तो नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आगे भी और जो मैचेस खेलने होंगे उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो बार बार मैं इसमें विड्रॉ करूँ और डिपॉजिट करूँ तो अननेसेसरी ट्रांजेक्शन फीस जाती है, लेकिन विड्रॉल हो जाता है वो बहुत कन्फर्म है, ठीक है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं आता है। अब बात करते हैं कि सपोज़ कीजिए आपके पास जो पैसा आ गया बिटकॉइन का, उसको स्क्रिल से कैसे विड्रॉ करना है, तो अब मैं आपको सीधा स्क्रिल के वेबसाइट पे लेके आता हूँ और सारी चीज़ें बता देता हूँ। आप स्क्रिल की वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको इस तरह से पेज दिखेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अब देखिए स्क्रिल पे जब आप लॉगिन कर लेंगे आपको इस तरह से पेज दिखेगा, ठीक है। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपके पास कितना अमाउंट पड़ा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास जो बिटकॉइन है उसको INR में कैसे विड्रॉ करें, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं चीज़ ये कहूँगा कि देखिए जो लोग अब स्क्रीन को यूज़ करने वाले हैं तो वो पहले अपना अकाउंट पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफिकेशन करने बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से हार्डली 10-15 मिनट लगता है। आप अपना आधार कार्ड वगैरह, मोबाइल का इसका ऐप है उसके थ्रू अपलोड कर सकते हैं और इंस्टेंटली 15-10 मिनट्स के अंदर वो वेरीफाई हो जाता है, आपका अकाउंट पूरा वेरीफाई हो जाता है। अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसकी लिमिट बढ़ जाती है विड्रॉल की और डिपॉजिट की बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, जब आपका अकाउंट भी एकदम पूरा वेरीफाइड हो जाता है तो उसको इंस्टेंटली यूज़ मत कीजिए फॉर विड्रॉल्स ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। अगर आपका अकाउंट एकदम आपका रेडी हो गया और उसी दिन आपने 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये इतने सारे निकालने बैठ जाएंगे तो आपका अकाउंट हाईलाइट हो जाएगा कि भाई इन्होंने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको ओपन किया है। तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप हफ्ते में पहले 2-3 ट्रांजेक्शन कीजिए, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कीजिए, आपके अकाउंट को थोड़ा सा पुराना होने दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 15-20 दिन पुराना हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो अमाउंट है विड्रॉल की वो बढ़ाते रहिए, ठीक है। इस हिसाब से करना है आपको, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिपॉजिट करूँगा, मेरे पास जो बिटकॉइंस पड़े हैं फॉर एग्जांपल बाइनेंस वगैरह में जहाँ भी पड़े मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा। तो यहाँ पे आप बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए।
जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह से कंफर्मेशन स्क्रीन दिखता है कि आप डिपॉजिट 10,000 कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस 1% लगेगा यानी कि 100 रुपये लगेगा, टोटल जो रहेगा 10,100 रहेगा। और आप जब गो टू बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश पे करते हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश के थ्रू यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से एक पेज दिखेगा, ठीक है। ये जो पेज है ये बिटपे की तरफ से है, जो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है कि आप बिटपे की जो वैलेट है उसके थ्रू आप बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश जमा कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है जो भी इंडियन कस्टमर्स हैं कि हम बिटपे पे अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। अकाउंट क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे हमारी जो कंट्री इंडिया आती है तो उसमें ये ऑप्शंस नहीं मिलते कि आप डिपॉजिट और सेंड वगैरह करें, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा ऑप्शन कॉइनबेस का रहता है, तो कॉइनबेस से भी आप अकाउंट तो क्रिएट करते हैं लेकिन एज कंट्री हमारा इंडिया रहता है तो आप सेंड एंड रिसीव वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अटक जा रहे हैं। किस तरह से आप स्क्रीन के अंदर बिटकॉइन को डिपॉजिट किया जाए ताकि हम उसे विड्रॉ कर सकें। पहले बहुत सिंपल था, आप किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट जमा कर सकते थे, लेकिन इसका एक तरीका है, ज़रूर है। आप bitcoin.com वेबसाइट ओपन कीजिए, ठीक है, इस तरह से इसके वैलेट को आप डाउनलोड कर लीजिए आपके मोबाइल पे। बहुत सिंपल है, कोई KYC वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर bitcoin.com जो वैलेट रहता है उसके अंदर आप BTC को ट्रांसफ़र कीजिए, आपके उसमें आधे घंटे के अंदर BTC आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मैं आपको वैलेट यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से दिखता है, ठीक है। ये जो देखिए आप वैलेट, आपको इस हिसाब से दिख रहा होगा, ठीक है। इस वैलेट में आप देख सकते हैं मेरे पास जो भी बिटकॉइन वगैरह है, अराउंड 770 US डॉलर के वर्थ बिटकॉइन मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छा वैलेट है ये। अब मुझे कहीं भी पे करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ कीजिए मुझे बिटकॉइन में पे करना है तो ये स्क्रीन पे मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे QR कोड आएगा, तो इस वैलेट के यहाँ पे एक स्कैन दिया हुआ है, स्कैन टू पे, जैसे कि हम इंडियन जो ऐप यूज़ करते हैं फ़ोनपे या भीम UPI यूज़ करते हैं उसमें हम स्कैन करते हैं, पेटीएम वाले में भी हम स्कैन करते हैं और पे करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे स्कैन का एक ये बटन है इस तरह से, उससे आप यहाँ पे सीधा स्कैन करके करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको पे करना है तो आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये जो पेमेंट रहेगा ये स्क्रिल के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और जो भी INR था वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो प्रोसीजर है मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बैंक विड्रॉल भी कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो विड्रॉल अमाउंट थी आफ्टर ट्रांजैक्शन फीस को निकालने के बाद 9,422 जो था वो मैंने विड्रॉल कर लिया है, और ये ट्रांजैक्शन आईडी है और ये मेरा बैंक अकाउंट है। तो ये क्योंकि आज संडे है तो आज शायद विड्रॉल आज ना हो, अदरवाइज़ 15 मिनट के अंदर विड्रॉल आ जाता है आपके अकाउंट में। तो मंडे है तो मंडे मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने विड्रॉल किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 21 मार्च को भी विड्रॉल किया था यहाँ पर, लगभग 92,000 के आसपास किया था और ये मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, स्क्रिल के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और इसमें मैंने क्लियर कट बता दिया है कि win365days.com को आपको किस तरह से खेलना है, क्यों खेलना है, क्या बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हम क्रिप्टो यूज़ कर सकते हैं, टैक्स वगैरह का लफड़ा नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को सही लगता है तो आप इसमें खेल सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई आपको मैंने वीडियो डाल दी तो आपको ज़रूर इसके अंदर खेलना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर ड्रीम इलेवन वगैरह खेलते हैं, फैंटेसी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो ये उन लोगों के लिए, ताकि वो यहाँ पर भी खेल के अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अदरवाइज़ TV पे IPL मैच देखिए, लुत्फ उठाइए संडे का, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आपको ये सब चीज़ में बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हाँ जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे विड्रॉल के बारे में, तो स्क्रिल वाला जो पार्ट है कि किस तरह से पेमेंट को विड्रॉ करना है अपने बैंक अकाउंट में, वो आप देख लीजिए, तो वो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा कि बिटकॉइन वगैरह किस तरह से विड्रॉ करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। और इसके बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, संडे का दिन है तो जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।